मेट्रोमी की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मुबशा के डैड आसिम से साफ साफ कह देते हैं, जैद ने तो बिल्कुल भी मुबशा के साथ अच्छा नहीं किया, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। हमने जैद की शादी किसी न किसी तरीके से मुबशा से करवा तो दी है, लेकिन अब भी उसके दिलो दिमाग में वो लड़की ही मौजूद है, इसीलिए तो जैद किसी सूरत पर अपने दिल में मुबशा को जगह देने के लिए तैयार तक नहीं। सही कह रही हो तुम जाफर, हमें कोई और ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की तो किसी हाल में भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ी। लेकिन इसमें मुबशा को भी जैद को समझाना होगा, क्योंकि जब तक जैद आयरा को भूलने का नाम तक नहीं लेगा, हम कुछ भी करें हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे कि मुबशा इस घर में खुश रह सके। यहाँ तक कि जाफर और आसम मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद वो कुछ गुंडों के जरिए आयरा को किडनैप करवाने की कोशिश करते हैं। जब आयरा को इस बारे में मालूम होता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि जैद के डैड ने किया है, तो वो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाती। जैद मारे डैड आखिर चाहते क्या है, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ? मैं तो तुमसे दूर हो गई हूँ, तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुमसे फोन पर बातें नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं मिला। मेरी जिंदगी के दुश्मन क्यों बन गए हैं? क्यों सब लोगों के सामने मुझे जलील करवाना चाहते हैं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें अपने डैड को अच्छी तरह से समझाना होगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। पहले उन्होंने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किया, अब वो मेरे साथ ये सब कुछ करके साबित क्या करना चाहते हैं।